हेलो गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं 125 रुपीज वाला एक स्टॉक के बारे में, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 डे की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो करीबन 5% की डाउनफॉल है। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न में 12% की डाउनफॉल कंपनी शेयर होल्डर को दिया है। पर शेयर के पीछे 18-19 रुपया गिरा है। 6 महीने में भी वही हाल है, कंपनी डाउनफॉल दिया है। अगर मैं 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो उल्टा हम लोग को नजर आ रहा है, भयंकर रिटर्न कंपनी दिया है। यानी 5 ईयर रिटर्न अच्छा है, कंपनी 1882% की अच्छा रिटर्न दिया है। कोविड के टाइम में सिर्फ 5 रुपये में मिल रहा था, 5 रुपये वाला शेयर करीबन आप देखोगे तो 180 तक गया। इस बीच मल्टीपल का रिटर्न दिया है, अभी यही रेंज में मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा वही सेम रेंज है। कंपनी करीबन 6 रुपये करके 2018 में लिस्टिंग हुआ था और इसका लाइफ टाइम हाई 177 है। क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए? ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर है। आप देखोगे तो मैं कोड बता देता हूँ, 542232 इसका कोड है, आप देखकर डाल सकते हो। अगर हम लोग स्टॉक का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी हम लोग को एक स्मॉल कैप और हाई रिस्क नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग कम पैसा डालेंगे, ज्यादा पैसा नहीं डालेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो ईयर वाइज कंपनी का लास्ट ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और नेटवर्क ग्रोथ हुआ है। मेन चीज ये प्रॉफिट, आप देखोगे प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन इस बीच देखिए 2700 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है, शेयर होल्डर के लिए अच्छा है। अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल्स देखेंगे, BSE में लिस्टिंग है, 793 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 40 है, बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है। हाईलो देख सकते हो, डिविडेंड कम देता है, ROCE ठीक है, फेस वैल्यू 10 का है। कर्जा देखोगे 15 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व ज्यादा है कर्जा से, यानी कर्जा मुक्त आप बोल सकते हो। एसेट रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश नहीं रखा है, प्रॉफिट में चल रहा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड देता है, डेट टू इक्विटी कम है, यानी कंपनी हम लोग को ठीक ठाक नजर आ रहा है। CAGR रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी अच्छा दे रहा है और ट्रेडिंग बिजनेस करता है कंपनी, 8 नंबर पर आता है। आप देखोगे सेल ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, CAGR पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे, एसेट में दोस्तों ग्रोथ है, नेट कैश फ्लो माइनस है। होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर पब्लिक ही माल रखे हैं और किसी के पास माल नहीं है, 73% प्रमोटर और पब्लिक 26% रखा है। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद 126 से 150 तक कंपनी जा सकता है। लॉन्ग टर्म में आपको मिनिमम अमाउंट डालकर होल्ड करना है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।